हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सभी। तो देखिए, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जितने भी ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने इस साल न्यू एडमिशन ले लिया है या जो लेने वाले, मतलब कुल मिला के बात यह है, जितने भी ऐसे स्टूडेंट जो इस साल SOL में एडमिशन लेंगे या दिल्ली विश्वविद्यालय के रेगुलर कॉलेज में एडमिशन लेंगे या नॉन कॉलेज यानी NCVAP में एडमिशन लेंगे, तो आपके लिए फाइनली बिग अपडेट ये है कि आपकी जो एग्जामिनेशन की जो डेट है वो कंफर्म हो चुकी है कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर यानी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम्स हैं वो कब तक होंगे। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो उन तीनों कॉलेजेस के लिए, चाहे आप SOL के स्टूडेंट हो, नए स्टूडेंट हो 2024 के किसी भी कोर्स से बिलोंग करते हो, चाहे आप रेगुलर के स्टूडेंट हो, चाहे आप NCVAP के स्टूडेंट हो, तो फाइनली आपके जो फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम है उनकी डेट जो है वो कन्फर्म हो चुकी है। तो आज की वीडियो में यही चीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए, एक चीज़ कंफर्म कर देता हूँ, सबसे पहले अगर आपको अपडेट चाहिए तो आपको कॉलेज अपडेट को सब्सक्राइब करना होगा। ये आंसर आप कर लीजिए, हम सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे, चाहे आपका डेट शीट हो, एडमिट कार्ड हो, असाइनमेंट हो, सब कुछ, एवरीथिंग एल्स, ठीक है। तो यही चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपको प्रॉपर अपडेट चाहिए तो वहाँ से ज्वाइन हो जाइए, सब्सक्राइब करके रख लीजिए, टाइम टू टाइम हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो देखिए, पहली चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ, अभी एडमिशन जस्ट चल रहे हैं, अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब जो आपके एडमिशन्स है वो अभी भी ख़त्म नहीं हुए। अभी SOL के जो एडमिशन है अभी चल रहे हैं, अभी तो 100,000 बच्चे भी SOL के अंदर नहीं आए हैं। वहीं रेगुलर का जो प्रोसेस है अभी भी चल रहा है उनका प्रोसेस एडमिशन का, अभी उनकी फर्स्ट एलोकेशन लिस्ट ही नहीं आई। वहीं NCVAP का जो एडमिशन अभी भी उनका एडमिशन कट ऑफ ही नहीं आई। तो कुल मिला के बात यह है कि अभी तीनों कॉलेजेस के जो एडमिशन है प्रॉपर चल रहे हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। फिर आप कहोगे, सर अभी तो हमारा एडमिशन भी नहीं हुआ, अभी तो हमारा कंफर्म भी नहीं हुआ एडमिशन, अभी तो हम CSS रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और आप एग्ज़ाम डेट बता रहे हो। तो देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से जो भी ऑफिशियल अपडेट आता है हम सबसे पहले आप तक प्रोवाइड करवा देते हैं। देखिए, आपके जो फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम्स हैं, हर साल क्या होता था, आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो दिसंबर में होते थे, जो कि मैंने पिछली वीडियोज़ में भी आपको बताया था। बट इस बार जो आपके एग्ज़ाम्स हैं फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के, वो एग्ज़ाम्स आपके दिसंबर में ना होकर, क्योंकि सेशन इस बार लेट हुआ है। लेट का कारण ये है कि रेगुलर के जो एडमिशन है वो काफ़ी डिले शुरू हुए, तो रेगुलर को ही SOL फॉलो करता है, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय का एक ही एग्ज़ाम कैलेंडर होता है, उसी को देखकर सारे जो कॉलेजेस है उसको फॉलो करते हैं। तो SOL स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के न्यू बैच, रेगुलर के फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के न्यू बैच और NCVAP के फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के न्यू बैच 2024 के जो बच्चे हैं, इन सभी के जो एग्ज़ाम्स है वो 6 जनवरी से शुरू होंगे। जी हाँ, 6 जनवरी से आपके एग्ज़ाम खत्म शुरू होंगे। ख़त्म कब तक होंगे इसकी जानकारी तो फिलहाल नहीं है, बट 6 जनवरी से आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो शुरू होने जा रहे हैं। ये एग्ज़ाम की डेट है, यानी अब आपके पास तकरीबन मैं अनुमान लगाऊं 6 से 7 महीना आपके पास अभी आपके पास है। तो कुल मिला के बात ये है कि अगले 6 महीने बाद आपको जो आपके जो एग्ज़ाम्स हैं, मैं 6 महीने भी बहुत ज़्यादा बोल दिए मैंने, मुझे लगता है 4 से 5 महीने भी आप इंक्लूड कर लीजिए, क्योंकि अगस्त चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, हाँ तो बहुत कम है, तो 6 महीने काफ़ी लंबा जोड़ दिया, 4 से 5 महीने, 4 महीने आप टोटल लगा दो, 4 महीने बाद यानी अगले साल 6 जनवरी को आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो शुरू होने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के। तो आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, टाइम टू टाइम हम आपको अपडेट करते रहेंगे, आपके कुछ भी अपडेट होगी, चाहे डेट शीट हो, एडमिट कार्ड हो। तो फाइनली बिग अपडेट ये है कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने फाइनली आपकी जो एग्ज़ाम की डेट है, न्यू बच्चे जितने भी नए बच्चे हैं 2024 बैच के फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के, उनकी जो एग्ज़ाम की डेट्स है उनको कन्फर्म कर दिया। आपकी जो एग्ज़ाम्स हैं वो 6 जनवरी यानी अगले साल से शुरू होने जा रहे हैं, चाहे वो SOL के बच्चे हो, चाहे वो रेगुलर कोर्सेज के बच्चे हो, रेगुलर कॉलेज के, चाहे वो नॉन कॉलेज NCVAP की स्टूडेंट्स हो, ठीक है। तो बाकी जो भी अपडेट होगा हम आपको बताते रहेंगे, फिलहाल यही बिग अपडेट था। और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। देखिए, कोई भी ऑफिशियल अपडेट है अभी तो मुझे लगता है एडमिशन से पहले ही आपको अपडेट मिल गया अब कि आपके एग्ज़ाम कब हो रहे हैं, एटलीस्ट दिल्ली विश्वविद्यालय SOL के चाहे रेगुलर के, ठीक है। तो अगले साल 6 जनवरी से आपके जो एग्ज़ाम्स शुरू होने जा रहे हैं, मैंने 6 महीना ज़्यादा बोल दिया, उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, बट 4 महीने का भी आपके पास समय है, और ये 4 महीने मुझे लगता है कि ज़्यादा लंबा समय नहीं है, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इन 4 महीनों के अंदर एग्ज़ाम से पहले हम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, नोट्स वगैरह जो भी हमसे बनता है वो हम प्रोवाइड आपको लिए करवाएंगे, ताकि एग्ज़ाम्स आपका ईजिली निकल जाए, ठीक है। बहुत एक्सपीरियंस है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मोस्टली बच्चे हमारे थ्रू ग्रेजुएट होकर निकलते हैं। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताएगा, थैंक यू सो मच।